फ्रेंड्स, वेलकम टू माय टिक्सी किचन। मेरा प्यार भरा नमस्कार। आज मैं आपके लिए 3 लेयर का केक बनाने जा रही हूँ, जो कि बनाने में बहुत ही आसान है और बच्चों को भी बहुत ही अच्छा लगता है। इन केक में मैंने 1 लेयर ओरियो बिस्किट की भी बनाई है। आप यकीन नहीं मानेंगे, सिर्फ खाली ओरियो बिस्किट से भी बहुत अच्छा केक बन जाता है। और जो मैंने यहाँ पर क्रीम ली है, इसको आप बनाने के लिए देखने के लिए आप मेरे लिंक में आप देख सकती हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसी तरीके से जो मैंने डेकोरेट करने के लिए रोज़ बनाया है, इसको भी आप मेरे लिंक में ज़रूर देखिए। बहुत ही आसान तरीके से ये रोज़ बनकर तैयार हो जाता है, तो आप देखिए। आइए चलिए अब आगे केक की तैयारी करते हैं। तो केक बनाने के लिए मैंने सबसे पहले 2 पैकेट ओरियो बिस्किट के लिए हैं, ये देखिए। अगर आप चाहें आप तो छोटे बिस्किट के पैकेट ले सकती हैं, वो लेकिन वो आपको 5 बिस्किट के पैकेट लेने होंगे, जो कि मार्केट में 10-10 रुपए के आसानी से मिल जाते हैं। अब ये मैंने बिस्किट्स बाहर निकाल कर अलग प्लेट में रख लिए हैं। फिर इसके बाद में हम एक एक करके इनकी क्रीम निकालेंगे। बहुत ही आसानी से नाइफ की हेल्प से इसकी क्रीम निकल जाती है, ये देखिए। इस तरीके से मैं हम इसकी क्रीम निकाल लेंगे। चलिए आइए दूसरे बिस्किट की भी क्रीम निकालते हैं। ये मैंने ये किस तरीके से मैं इसकी क्रीम निकाल लेंगे। इसी तरीके से मैं बाकी बिस्किट्स की भी क्रीम निकालेंगे। ये देखिए कितने आसानी से निकल जा रही है। इस क्रीम को भी हम अलग रख देंगे। अगर हम चाहें तो इसको भी बस सिर्फ सिंपली बीट कर इसकी भी क्रीम बना सकते हैं, या फिर आप जैसे फ्लावर बनाए मैंने, या फिर और भी किसी चीज़ में भी आप इस क्रीम को यूज़ कर सकती हैं। अब इन बिस्किटों को तोड़कर ग्राइंडर में ग्राइंड कर लेंगे। तो ये देखिए मैंने इन बिस्किटों को तोड़ लिया है। इस तरीके से मैं तोड़कर फिर उसको ग्राइंड कर लेंगे और क्रीम को अपने बाकी यूज़ के लिए रख देंगे अलग। ये मैंने बिस्किट ले लिए हैं, अब इसको चलिए ये ग्राइंड करते हैं। अब ये हमारा ग्राइंड हो चुके हैं बिस्किट, ये देखिए। ये मेरा बिस्किट का पाउडर बनकर तैयार हो चुका है बस। और अब हमको कुछ भी नहीं करना है, बस इसके लिए अब हम इस बिस्किट के पाउडर को बाउल करेंगे, बाउल में ले लेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं बाउल में लेने के बाद में इसमें हम एक चांस थोड़ा सा, जैसे कि टेस्ट हमारा अलग डिफरेंट टाइप का हो, तो नमक मिलाएंगे मुश्किल से 1 पिंच। फिर उसके बाद में अपना स्वाद अनुसार आपको जितना मीठा लेना है उस हिसाब से आप शुगर पाउडर ऐड कर सकती हैं। ये देखिए मैंने यहाँ पर 2.5 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करी है। अब इसको अच्छे से हम मिक्स कर देंगे, ये देखिए, जिससे कि ये शुगर पाउडर और ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाए। जब ये हमारा अच्छे से मिक्स हो जाएगा, तब हम इसको दूध थोड़ा थोड़ा इसमें दूध ऐड करेंगे और बराबर मिलाते रहेंगे। इसी तरीके से मैं, ये देखिए, ये मैंने दूध थोड़ा सा ऐड किया, फिर इसको हम मिलाएंगे। फिर हम एक साथ नहीं मिलाएंगे, अगर हम एक साथ मिलाएंगे तो इसका बैटर हमारा अच्छा नहीं बन पाएगा। जितनी ही हमको इसकी कंसिस्टेंसी चाहिए, उसी हिसाब से हम दूध इसमें ऐड करते जाएंगे और बराबर चलाते रहेंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं, अभी और हमारा गाढ़ा है तो हम इसमें थोड़ा सा दूध और ऐड कर लेंगे और फिर उसके बाद में इसको हम चलाएंगे। ये देखिए इस तरह की हमारी कंसिस्टेंसी इसकी आनी चाहिए। अब हम इसको थोड़ी देर मुश्किल से 5-10 मिनट के लिए हम इसको अच्छे से चलाएंगे, जिससे कि ये देखिए कितना स्मूथ हो जाए, कितना बढ़िया फ्लफी तैयार हुआ है ये। अब बस अब हम एक केक के बर्तन में ऑयल से ग्रीस कर लेंगे इसको।
ये मैंने केक का पैन ले लिया है, इसमें हमने ऑयल रिफाइंड ऑयल से ग्रीस कर लिया इसको, और हल्का सा इसमें रफली आटा या फिर मैदा कुछ भी जो है इसकी सरफेस पे डाल देंगे। इससे हमारा जो है केक इसमें चिपकता नहीं है। आप चाहें तो इसमें की जगह बटर पेपर भी लगा सकती हैं। अब हम यहाँ पर एक चम्मच बेकिंग पाउडर डालेंगे और आधी चम्मच बेकिंग सोडा डालेंगे। ये चीज़ हमको जब बिल्कुल तैयार हो जाए तब रखेंगे। इधर हम जब तक पैन को प्री हीट करने के लिए रख देंगे, तो ये मैंने एक स्टैंड ले लिया किसी भी तरीके का, आपके पास उसको ले लीजिए। फिर इसके बाद मैं लिड से इसको कवर कर इसको प्री हीट करने के लिए छोड़ देंगे। जब तक ये हमारा प्री हीट हो रहा है, जब तक इसको हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को। ये देखिए, ये मैंने अच्छे से इसको मिक्स कर दिया है, बिल्कुल अच्छा, बहुत अच्छा बैटर बनकर तैयार हुआ है। अब अगर आप चाहें यहाँ पर तो छोटा पैन ले सकते हैं केक का, लेकिन हमको इसकी पतली लेयर चाहिए, इसलिए मैंने यहाँ पर पैन जो है थोड़ा सा बड़ा लिया है, क्योंकि आज हम जो है केक 3 लेयर का बना रहे हैं, इसलिए हम ज़्यादा बड़ा केक नहीं लेंगे। इसलिए मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बड़ा पैन लिया है, जिससे कि मेरी यहाँ पर पतली लेयर बनकर तैयार हो। आप थोड़ा छोटा लेंगे तो भी चल जाएगा। अब हम इसको थोड़ा सा यहाँ इसमें इस तरीके से हिला देंगे, जिससे कि इसके नीचे के जो भी पोर हैं वो अपनी अपनी जगह एडजस्ट हो जाएं। अब ये पैन भी हमारा प्री हीट हो चुका है। अब हम इसको इसमें रख देंगे अपने केक के बैटर को, और फिर से इसको ढककर लगभग 40 से 45 मिनट तक के लिए हम इसको मीडियम फ्लेम में रख देंगे। अपने अपनी गैस के अकॉर्डिंग, आप अगर गैस आपकी तेज जलती है तो इसको लो फ्लेम में रख दीजिए। अब 40 से 45 मिनट के बाद में आइए हम देखते हैं ये हमारा केक बनकर तैयार हुआ है कि नहीं। तो एक टूथपिक की हेल्प से हम इसको सिंपली इस तरीके से हमें देखेंगे। ये देखिए, ये हमारा केक बिल्कुल नहीं चिपक रहा है, यानी कि ये हमारा केक बनकर तैयार हो चुका है। अब हम इसको अलग निकाल लेंगे, थोड़ा ठंडा होने के लिए रख देंगे। ठंडा होने के बाद में अब हम इसको नाइफ की हेल्प से इसके कॉर्नर से थोड़ा सा पहले इस तरीके से मैं कॉर्नर से नाइफ को चला लेंगे, फिर उसके बाद में हल्के से इसको पलट लेंगे प्लेट की हेल्प से। देखिए, इस तरीके से मैंने यहाँ पर प्लेट ली और इसको हम मैंने ये पलट लिया। अब थोड़ा सा पुश करने के बाद में ये आसानी से केक हमारा बाहर निकल आता है। तो देखते हैं केक बाहर निकल रहा है कि नहीं हमारा। ये देखिए, धीमे से निकाल कर देखते हैं। ये देखिए कितना बढ़िया ओरियो बिस्किट से हमारा केक बनकर तैयार हुआ है। इसमें हमने कुछ भी ऐड नहीं किया है, बस सिर्फ थोड़ी सी चीज़ों से ही हमारा ये ओरियो बिस्किट से केक बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए कितना बढ़िया अच्छा स्पंजी केक बनकर तैयार हुआ है। हमको यहाँ पर पतली लेयर चाहिए थी, इसलिए मैंने बड़ा पैन लिया केक का। आप थोड़ा सा छोटा केक लेंगी तो आपका आसानी से केक जो है 2 पैकेट बिस्किट से कितना बढ़िया अच्छा केक बनकर तैयार हुआ है, कितना अच्छा स्पंजी है। ये देखिए, मैं दबाकर भी दिखा रही हूँ आपको, पीछे से भी देखिए, बिल्कुल बनकर परफेक्ट तैयार हुआ है केक। ये देखिए, अब आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर मैंने मैदे से भी एक केक बनाकर रखा है। ये केक को आप देखने मैदे से केक बनाने की रेसिपी आप मेरे लिंक में देख सकती हैं, तो इसको आप देख लीजिएगा। इसको भी चलिए आइए पैन से अलग निकाल कर रखते हैं।
क्योंकि हमें यहाँ पर 3 लेयर का केक चाहिए, इसलिए मैंने अलग अलग कलर के केक बनाए हैं। तो ये लीजिए, इसको भी मैं पलट लेती हूँ। इसी तरीके से मैं पुश करेंगे और हल्के से इसको भी निकाल लेंगे। ये केक भी बनाना काफ़ी आसान है। इसको मैंने वीडियो बनाकर रखी है, आप प्लीज़ देखिए इसकी भी वीडियो। ये भी बहुत ही आसानी से बनकर तैयार हो जाता है। इसमें मैंने थोड़ा सा, क्योंकि मैं चॉकलेट केक बना रही हूँ, तो बस इसमें मैंने थोड़ा सा कॉफ़ी पाउडर और चॉकलेट पाउडर डाला है, जैसे कि इसका कलर थोड़ा सा ब्राउन हो गया है। तो ये देखिए कितना अच्छा बढ़िया स्पंजी केक ये वाला भी हमारा बनकर तैयार हो गया है। ये देखिए, इसको मैं दबाकर आपको दिखा रही हूँ कितना बढ़िया स्पंजी केक बना है। तो ये लीजिए, ये मैंने ये 2 तरीके के केक बना लिए हैं। अब आइए आगे की प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले ये एक बड़ा केक बनाया है और एक छोटा केक बनाया है। अब हम इसमें थोड़ा सा इसकी भी एक और लेयर बनाए काटेंगे। तो इसके लिए थोड़ा सा पहले कॉर्नर से नाइफ की हेल्प से कट लगा देंगे। ये देखिए, हल्का हल्का हमको और बहुत ही हल्के हाथों से, नहीं तो ऊंची नीची परत बन जाती है, इसलिए नाइफ की हेल्प से हम इसमें इस तरीके से पहले कट लगाएंगे, फिर एक धागे की हेल्प से इसको हम इस तरीके से में काटेंगे। तो ये हमारा एक सी लेयर कट कर आएगी। ये देखिए, मैंने धागा लिया और इसको इस तरीके से में लगा देंगे और धीमे धीमे हल्के से धागे को खींचेंगे। तो ये आसानी से आपका बिल्कुल एक सा कट कर तैयार हो जाता है। ये देखिए, ये कट कर तैयार हो रहा है धीमे धीमे। तो ये हमारी 2 लेयर इसकी भी बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, बिल्कुल बाहर निकल कर आ गया ये हमारा धागा, ये निकल आया। तो ये देखिए, धागा बाहर निकल आया है और ये हमारी 2 लेयर बनकर तैयार हो गई हैं। ये बन गया। तो इस तरीके से मैं हमारे ये लेयर्स जो हैं बन गई हैं, 1 लेयर 2 लेयर। चलिए आइए आगे का भी प्रोसेस कर लेते हैं। ये देखिए कितनी अच्छी लेयर बनकर तैयार हुई है। अब हम इसके भी कटिंग कर लेते हैं। इसकी कटिंग करने के लिए मैंने एक बड़ा लेड लिया है और उसी हिसाब से एक मैंने छोटा लेयर लेड को ले लेंगे। ये देखिए, उससे एक छोटा लिड ले लिया है क्योंकि हमको 3 लेयर का बनाना था, इसलिए ये देखिए एक बड़ा लिड और एक छोटा लिड को इस तरीके से मैं रख देंगे और इसको हम ये देखिए आसानी से कट कर देंगे। इसी तरीके से छोटे लिड को भी थोड़ा सा ही प्रेस करेंगे तो आसानी से ये हमारा कट जाता है। इसीलिए मैंने यहाँ पर थोड़ी सी पतली लेयर ली थी इस केक की। आप सिंपली अगर बस खाली ओरियो बिस्किट का ही केक बनाना चाहें तो इसके लिए आप थोड़ा सा छोटा पैन ले लीजिएगा, तो आपकी इस चौड़ा थोड़ा पैसा केक बनकर तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये कितना अच्छा सर्कल बनकर तैयार हुआ है हमारा, कितना स्पंजी भी है। ये देखिए, इसी तरीके से हम ये छोटे को भी कट कर लेंगे। ये देखिए, मैंने और अच्छे से इसको प्रेस किया और ये भी आसानी से कट कर तैयार हो गया। ये देखिए, ये बन छोटा छोटी लेयर बन गई। अब चलिए आइए आगे का प्रोसेस करते हैं। तो यहाँ पर ये मैंने ये लिए दोनों लेयरों को इस तरीके से मैं रखेंगे और एक बड़ा
फिर उससे छोटा है। तो ये इस तरीके से हमें मेरी ये तीन लेयर बनकर तैयार हो जाती हैं। ये देखिए, अब बस इसी को ही हमको क्रीम से और रोज के फ्लावर से डेकोरेट करना है। तो चलिए आइए अब आगे का प्रोसेस करते हैं बिना देर किए हुए। तो उसके लिए हमको सबसे पहले शुगर सिरप बनाना होगा। तो शुगर सिरप बनाने के लिए मैंने एक बाउल में पानी ले लिया है। पानी के बाद में मैंने शुगर पाउडर, 2 चम्मच शुगर पाउडर ऐड करी है और इसको अच्छे से चला लेंगे जब तक ये शुगर पाउडर इसमें मिक्स ना हो जाए। अब जो मैंने क्रीम बना कर रखी है उसको आप मेरे लिंक में आप ज़रूर देख लीजिए। तो ये लिंक क्रीम थोड़ी सी मैंने इसके नीचे लगा दी। फिर उसके बाद मैं ये पहली लेयर रखी है। पहली लेयर के बाद में अब हम यहाँ पर इसमें शुगर सिरप लगाएंगे। शुगर सिरप हम इसलिए लगाते हैं जिससे कि हमारे केक का टेस्ट और अच्छा हो जाए और ये चारों तरफ से एक सा मीठा निकले हमारा, इसलिए हम इसमें शुगर सिरप लगाते हैं। देखिए, शुगर सिरप लगाने के बाद हम इसमें क्रीम लगाएंगे। ये मैंने इसमें क्रीम लगाई। आप चाहें तो इसमें ज़्यादा क्रीम ऐड कर सकते हैं, क्योंकि हम लेकिन ये घर में बना रहे हैं तो ज़्यादा क्रीम यूज़ नहीं करना चाह रहे, इसलिए मैंने इसमें थोड़ी क्रीम लगाई है। घर में बनाने का एक बस यही फ़ायदा रहता है, जितनी चीज़ों की ज़रूरत हो उतना ही हम बस इसमें ऐड कर सकते हैं। अब हमने इस क्रीम के ऊपर दूसरी लेयर रखी। ये देखिए, इस तरीके से मैं रखने के बाद में इसमें इसके ऊपर भी हम सिरप लगा देंगे, शुगर सिरप। शुगर सिरप हमको हर लेयर में लगानी है। फिर इसके बाद में फिर हम इसके ऊपर भी क्रीम को अच्छे से लगा लेंगे। देखिए बढ़िया अच्छे से क्रीम बनकर तैयार हुई है हमारी। तो ये मैंने इसमें भी चारों तरफ से क्रीम लगा दी है। ये चारों तरफ से अच्छे से क्रीम लगाने के बाद में देखिए, थोड़ा सा इससे हम एक सा कर देंगे जिससे कि हमारी क्रीम वो है अच्छे से सब जगह लग जाए। तो ये देखिए, अच्छे से मैंने पूरे केक को कवर कर लिया है क्रीम से। ये देखिए, ऊपर से ऐसे करेंगे तो नीचे अपने आप ये कवर हो जाएगा। तो ये लीजिए, मैंने क्रीम लग गई। अब आगे का प्रोसेस देखते हैं। तो ये जो मैंने ओरियो की बिस्किट केक जो केक बनाया है उसको हम लगा लेंगे। ये देखिए, उसकी एक परत लगाई, फिर से इसके ऊपर शुगर सिरप लगाएंगे। ये देखिए, शुगर सिरप हमको हर लेयर में लगाना है। फिर इसके बाद में मैंने यहाँ पर चॉकलेट सिरप भी बनाकर रखा है, इसको भी आप मेरे लिंक में देख सकती हैं। मैंने इसकी भी रेसिपी जो अपने वीडियो में डाल रखी है, तो प्लीज़ इसको भी देखिए। अब चूँकि ये चॉकलेट केक है तो इसमें हम चॉकलेट सिरप लगाएंगे। तो ये मैंने चॉकलेट सिरप लगा दिया है और हल्का हल्का इसको हम इस तरीके से में करेंगे जिससे कि ये अलग डिज़ाइन आती है और ये फैलने जैसी डिज़ाइन आ जाएगी। तो ये देखिए, हल्का हल्का इसको हम ज़्यादा किनारे डालेंगे तो ये नीचे की तरफ फैलता हुआ दिखाई देगा और हम इसको चारों तरफ ये चॉकलेट सिरप लगा देंगे। फिर इसके बाद में ये इसके कॉर्नर में भी हम ऐसे करेंगे लगा देंगे सिरप को, तो ये नीचे बहता हुआ दिखेगा, इसका लुक बिल्कुल अलग ही आता है। ये देखिए, ऊपर से हम लेयर डालेंगे, नीचे ये अपने आप बहता हुआ आएगा। तो ये मैंने इस तरीके से चॉकलेट सिरप लगा दिया चारों तरफ। अब इसके बाद में हम इसमें तीसरी लेयर लगाएंगे। ये लीजिए, तो इसकी तीसरी
थ्री लेयर भी लगा दी मैंने। अब इसमें हम फिर से शुगर सिरप लगाएंगे। तो शुगर सिरप लगाने के बाद में इसके ऊपर थोड़ा सा ये देखिए थोड़ी क्रीम लगा देंगे तो ये कलरफुल भी हो जाएगा हमारा वाइट वाइट के ऊपर चॉकलेट चॉकलेट के बाद फिर से थोड़ा सा वाइट कलर आ जाएगा। तो इस तरीके से मैं हमारी तीनों लेयरें अपनी अलग अलग दिखाई भी देंगी। ये हमने तीन लेयर बनाई है तो इसमें मैंने क्रीम लगा दी सबसे ऊपर लेयर में। तो फिर से इसको हम क्रीम को ऊपर से डालेंगे और अच्छे से इसको हम फिर से डेकोरेट कर देंगे। ये देखिए इस तरीके से मैं हमें अच्छे से क्रीम को लगा लेना है। जब ये केक बनकर तैयार होगा ना तो बच्चों को बहुत ही अच्छा लगता है। अब फिर इसके ऊपर हम थोड़ा सा शुगर सिरप फिर से ऐड कर देंगे। देखिए कितना बढ़िया अच्छा शुगर सिरप डाल देंगे इसमें। तो हल्का सा शुगर सिरप वाइट कलर में वो आएगा। अब इसके बाद में जो ये मैंने कोन तैयार करी थी उससे हम इसको और डेकोरेट कर लेंगे। इसकी रेसिपी और फ्लावर की रेसिपी आप जो है मेरे लिंक में देख सकती हैं। वीडियो बड़ा हो रहा था इसलिए मैंने इस फ्लावर की रेसिपी अलग बनाई है। तो इसको डेकोरेट करने के लिए मेरी वीडियो की फ्लावर्स की रेसिपी जो है रोज फ्लावर की आप मेरी वीडियो में देख लीजिए। और इसको बढ़िया और आउटलाइन खींच देंगे हम इसकी। ये देखिए केक की, क्योंकि बिना आउटलाइन केक किसी भी चीज़ का मज़ा ही नहीं है। तो ये मैंने केक के चारों तरफ इसकी आउटलाइन खींच दी। कितना बढ़िया अच्छा बनकर तैयार हुआ है मेरा केक थ्री लेयर का। इसी तरीके से सब पोर्शन की हम आउटलाइन खींचेंगे तभी हमारी ये केक की लेयर्स जो हैं अलग अलग दिखाई देंगी कि ये केक मेरा कितने लेयर का बना हुआ है। अगर आप मार्केट में जाएंगी तो इतना बड़ा केक काफ़ी कॉस्टली पड़ जाएगा और जो मैंने आसानी से घर में बना लिया है तो आप भी बना सकती हैं इसको घर में और बड़े केक का मजा ले सकती हैं कम चीज़ों में और कम समय में। देखिए कितना बढ़िया अच्छा बनकर तैयार हुआ है केक। थोड़ा सा इधर भी इस तरीके से मैं हम और डिज़ाइन बना दें। घर का केक है जो चाहें आप उसकी डिज़ाइन आप बना सकती हैं। जितना डेकोरेशन करना चाहें उसको डेकोरेट कर लीजिए। तो ये देखिए केक हमारा बढ़िया अच्छा थ्री लेयर का केक बना है। देखिए इसमें सभी चीज़ों का फ्लेवर है, चॉकलेट फ्लेवर है, रोज फ्लावर है और बढ़िया अच्छी क्रीम है, चॉकलेट सॉस है। चलिए आइए कट कर भी दिखाएं आपको। तो ये देखिए कितना आसानी से कट हो रहा है हमारा ये देखिए ये मैंने कट कर लिया है। कितना बढ़िया बनकर तैयार हुआ है। थीम में से इसको हम निकालेंगे। ये देखिए तीनों लेयर हैं एक साथ निकल कर आई हैं। कितना बढ़िया अच्छा मज़ेदार केक ये अंदर से भी आप देखिए इसकी स्मूथनेस कितनी बढ़िया अच्छी है। स्पंजी बनकर तैयार हुए तीनों लेयर हमारी जो है बहुत ही अच्छी स्पंजी बनकर तैयार हुई हैं। केक बहुत ही सॉफ्ट बना है। फ्लावर की तो क्या कहें, फ्लावर की तो बात ही अलग है। रोज़ फ्लावर से लुक तो केक का बहुत ही अच्छा आ रहा है। ये देखिए इतना बढ़िया अच्छा फ्लावर बनकर तैयार हुआ है केक का हमारा।
चलिए ये देखिए, कट कर कटिंग कर कर भी ये देखिए कितने अच्छे बनकर तैयार हुआ है ये केक। तो मेरी रेसिपी देखकर आप भी ज़रूर बनाइए, और अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए एंड कमेंट्स बॉक्स में कमेंट्स लिखना ना भूलिए। लीजिए आप भी टेस्ट करिए, बताइए कैसा लगा ये केक आपको। अगर अच्छा लगा हो तो कमेंट्स लिखना ज़रूर ना भूलिए, ज़रूर ज़रूर लिखिए कमेंट्स। और वाकई में ये केक बहुत अच्छा बना है, बहुत ही मेहनत का केक है। तो देखिए और बताइए कैसा बना।